मेदे की इन्फेक्शन करने वाला बैक्टीरिया एच पायलोरी, उसके लिए कौन सा टेस्ट करवाएं, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन इस वीडियो के बाद क्लियर होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उमेर और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन FCPS मेडिसन हूं। नाजरीन, एच पायलोरी इन्फेक्शन आप नाम से जानते होंगे, मेदे की इन्फेक्शन करने वाला एक बैक्टीरिया जो कि बहुत सारे पेशेंट्स को मेदे की तकालीफ में मुतासर करता है पेशेंट को। इस मर्ज़ के लिए जो टेस्ट होता है उसके हवाले से मैं बात करूंगा कि एक टेस्ट जो कि बहुत मिसयूज़ हो रहा है, ना सिर्फ मिसयूज़ हो रहा है बल्कि उस टेस्ट की बुनियाद के ऊपर पेशेंट ओवर ट्रीट हो रहे हैं, बार बार ट्रीट हो रहे हैं और हैवी किस्म की एंटीबायोटिक्स लेने से एच पायलोरी ठीक हो या ना हो, एटलीस्ट उनके मेदे के मसाइल और एंटीबायोटिक्स के बेजा इस्तेमाल की वजह से जो रेजिस्टेंस के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा जो कि हाथ में उन्होंने पहले ही डॉक्टर को चेक करवाने से पहले ही एक टेस्ट करवाया होता है और वो होता है एच पायलोरी एंटीजन या एंटीबॉडीज़ IgG IgM टेस्ट पेशेंट ने करवाया होता है और वो मुजर होते हैं, वो इसके ऊपर इसरार करते हैं कि कहते हैं कि हमें इसका ट्रीटमेंट चाहिए, हमें एच पायलोरी इन्फेक्शन हो गया है, इसकी ट्रीटमेंट हमें बताई जाए, एंटीबायोटिक्स या खुद ले लेते हैं या ज़िद करते हैं कि इसकी हमें एंटीबायोटिक दी जाए। तो ये वीडियो उन पेशेंट्स के लिए और हर उस मरीज़ के लिए जो इस इन्फेक्शन में मुब्तला है या इस तरह की कंप्लेंट्स उसकी भी हैं। नाजरीन, एच पायलोरी का जो ये वाला टेस्ट है जिसमें हम ब्लड निकालते हैं और IgG IgM करवाते हैं, ये टेस्ट ऑब्सलीट हो चुका हुआ है। इस टेस्ट से इस इन्फेक्शन के बारे में हतमी तौर पर डायग्नोसिस नहीं बनती, इस टेस्ट को नहीं करवाना चाहिए। ये टेस्ट ना सिर्फ ये कि डायग्नोसिस में कोई हेल्प करता है, ना ही इस टेस्ट की बुनियाद के ऊपर पेशेंट को ट्रीट करवाना चाहिए। ये इतना कॉमन टेस्ट हो रहा है और इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है और इतनी मेल प्रैक्टिस हो रही है सिर्फ इस एक टेस्ट को लेके। बहुत सारे क्वैक्स, बहुत सारे डिस्पेंसर और दुख की बात यह है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो है इस टेस्ट को लिख के दे रहे हैं पेशेंट्स को, जो कि इररेलेवेंट सा टेस्ट है जिसकी इसमें कोई अफादियत नहीं है, जिसमें इसकी डायग्नोसिस में कहीं पे हेल्प नहीं मिलती और फिर इस बुनियाद के ऊपर पेशेंट्स को बार बार एंटीबायोटिक्स के कोर्स करवाए जाते हैं। अगर आपको इस इन्फेक्शन का ख़तरा है और आप इसकी सही तशखीस करवाना चाहते हैं तो इसके लिए स्टैंडर्ड टेस्ट की तरफ जाएँ। वो 2 से 3 टेस्ट हैं जो कि करवा के आप हतमी तौर पे ना सिर्फ इसकी तशखीस कर सकते हैं बल्कि इसको बेहतर तरीके से ट्रीट भी कर सकते हैं। पहला टेस्ट जो आप इस इन्फेक्शन में करवा सकते हैं वो यूरिया ब्रेथ टेस्ट होता है। ये टेस्ट आम लेबॉरेटरीज़ में नहीं होता, स्पेसिफिक सेंटर्स के अंदर होता है यूरिया ब्रेथ टेस्टिंग। ये अच्छा टेस्ट है, इसके ज़रिए एच पायलोरी इन्फेक्शन की तशखीस होती है। दूसरा टेस्ट जो आप इसमें करवा सकते हैं वो है स्टूल एच पायलोरी एंटीजन। पखाने में इस इन्फेक्शन काज करने वाले बैक्टीरिया की एंटीजन प्रोटीन मौजूद होती है जिससे ये हम हतमी तौर पे कह सकते हैं कि जो मुतासरा शख्स है इसको एच पायलोरी की इन्फेक्शन है। तीसरा और सबसे ज़बरदस्त टेस्ट जो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसके बाद मोहर लग जाती है कि वाकई इस पेशेंट को एच पायलोरी की इन्फेक्शन है, वो एक टेस्ट जिसमें एंडोस्कोपी जाती है और उसके ज़रिए जिस जगह के ऊपर अल्सर पड़ा हो वहाँ पर बायोप्सी लेते हैं, उसका पीस लिया जाता है, फिर उसकी बायोप्सी का कल्चर करवाते हैं और फिर डेफिनेट डायग्नोसिस बनती है कि पेशेंट को एच पायलोरी का इन्फेक्शन है। तो खुदा के लिए वो मरीज़ जो एच पायलोरी को ट्रीट करवा रहे हैं, बार बार इस टेस्ट को करवा के अपना पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं और एंटीबायोटिक्स के बेजा इस्तेमाल के बाद अपने मेदे का भी और ख़ास तौर पे इस एंटीबायोटिक की वजह से होने वाली रेजिस्टेंस का सामना कर रहे हैं, तो इस टेस्ट को अवॉइड करें। एक मुस्तनिद डॉक्टर से राय लें, उसके कहने के बाद ही मुस्तनिद टेस्ट करवाएं, उसका इलाज करवाएं ताकि आपका बेहतर इलाज हो सके। इस बीमारी के मुतालिक या और कोई भी किसी किस्म की बीमारी के मुतालिक अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।